नमस्कार दोस्तों, बिहार में फिर से लगा संपूर्ण लॉकडाउन लागू। जी हां दोस्तों, बिहार के निवासियों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए फिर से एक नई चेतावनी जारी। जी हां दोस्तों, बिहार के सभी निवासियों और छात्र छात्राओं के लिए फिर से एक चेतावनी जारी हो चुकी है। बड़ी चेतावनी है ये बिहार के निवासियों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बिहार में कितने दिन तक लॉकडाउन और रहेगा और कितने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर और लॉकडाउन कितना दिन आगे बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट चैनल पर न्यू जरूर हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। बगल में बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दो, आने वाली पल पल के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं बिहार में लॉकडाउन डेट एक्सटेंड। बिहार में 25 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये ऐलान किया है, 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, 25 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, बताया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है अंत बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि 10 दिनों में अर्थात 16 मई से 25 मई तक 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह बड़ी खबर है सभी निवासियों के लिए। हालांकि दोस्तों, ये अभी आज 13 तारीख है, लेकिन दोस्तों 13 तारीख से ही मतलब ट्वीट कर बताया गया है, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ये सभी जगह ट्वीट करके बता दिया गया है कि लॉकडाउन 16 मई से बढ़ेगा 25 मई तक। जी हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा कि पूरी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लागू रहेगा, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब यह होता है कि पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, और उस लॉकडाउन का मतलब होता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है छूट मिलेगी, जैसे कि कॉलेज विश्वविद्यालय में छूट मिलेगी। कॉलेज विश्वविद्यालय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक खुले रहेंगे, और बाकी बहुत भी चीज़ें जो हैं अदरवाइज, जैसे कि दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, ये सब चीज़ें खुली रहेगी। ठीक है, आप चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, खुली रहेगी तो सिर्फ एक लिमिट के लिए। लिमिट यानी आप लोगों का, जैसे कि मॉर्निंग टाइम से दोपहर, यानी आप लोग जैसे कि दोपहर तक आप लोग जाके अपना शॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि सारे कयासों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, आज सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारी के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई है। जी हां, इसमें देख सकते हैं साफ तौर पर बताया गया कि लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है अंत बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 मई से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह बड़ी खबर है। दूसरी बात यहां पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बता दें कि बढ़े हुए लॉकडाउन के नियम क्या होंगे। बिहार का मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, ऊपर मुख्य सचिव गृह, शाम 4:30 देख सकते हैं 4:40। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 4:40 तक आयोजित वर्चुअल पीसी के दौरान बताएंगे। गौरतलब हो कि सीएम नीतीश कुमार ने कल की, जी हाँ दोस्तों, कल ही इशारों में लॉकडाउन के बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। में साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी से राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जांच बढ़ी है और आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है। यह बड़ी खबर है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहार वासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। हौसला और धैर्य बनाए रखें सभी छात्र निवासी, हौसला और धैर्य बना के रखें। देखिए, आप लोगों का जो है आज 13 तारीख है, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि आप लोगों का लॉकडाउन जो है 16 मई से लेके 25 मई तक जो है लगा रहेगा। लेकिन क्या क्या चीज़ें खुलेगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेगा, कितना खुलेगा, कितना बंद रहेगा, ये निर्णय आपको कल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोगों को 14 तारीख को ये जो है पूरी अपडेट कर दी जाएगी, अपडेट बता दिया जाएगा कि 14 तारीख को क्या चीज़ें खुली रहेगी और क्या चीज़ें बंद रहेगा। ठीक है, तो कल तक वेट करें, कल आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। छात्र और छात्राओं, निवासियों के लिए सारी जानकारी कल को मिलेगी, क्या चीज़ें खुले रहेगा, क्या चीज़ें बंद रहेगा।
बाकी ये तो आपको तय हो गया है कि 16 मई से लेके 25 मई तक जो है आप लोगों का लॉकडाउन पूरी तरह से संपूर्ण मतलब लगा दिया गया है, ठीक है। तब तक के लिए यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। आने वाली पल पल की अपडेट खबर इसी तरह पाते रहिए। वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का सवाल पूछना हो, नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आने वाली जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।